वाकई अब तक नहीं पता चला कि मैं चाहती क्या हूं। अब समझा, आपके आसपास कोई है ना, इसलिए आप खुल के बात नहीं कर पा रही। अच्छा सुनिए, आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, बस हाँ या ना कह दीजिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं और चुप नहीं रह सकती, अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो ये रिश्ता टूट जाएगा और मम्मी और दीक का सपना भी। तो आपका जवाब क्या है, हाँ या ना? मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, तो बोलो ना। लेकिन सीरत, लेकिन लेकिन नहीं कह रही, मुझे साफ साफ बताओ, क्या जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है तुम्हारे दिल में भी है मेरे लिए? क्या जैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, क्या तुम भी अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो? हाँ। तो फिर चुप क्यों, कुछ कहते क्यों नहीं? जो मैं सुनना चाहती हूँ, जो तुम बोलना चाहते हो, बोल दो ना। सीरत, I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सीरत। रियली कैरी? रियली। थैंक यू सीरत, तुमने मुझे मेरी दिल की बात कहने का मौका दिया। मैं कब से इतना बड़ा बोझ लेके घूम रहा था। मैं कब से तुम्हें कहना चाहता था सीरत, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे दिल के अंदर से हमेशा एक आवाज आती रही कि नहीं गैरी, ये सब गलत है। लेकिन जब दिल की बात आती है ना सिर्फ, तो दिल कोई बंदिश नहीं जानता, दिल कोई नियम कायदे नहीं जानता, दिल तो सिर्फ प्यार करना जानता है। और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मेरा प्यार कितना ही सच्चा क्यों ना हो, हम दोनों एक नहीं हो सकते सीरत, कभी नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अंगद को धोखा नहीं दे सकता यार। अंगद सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि वो तुम्हें पसंद करता है। पसंद क्या, इन दिन में तुम्हारी शादी है, कल तक कार्ड सब जाएंगे, और अगर अब मैंने ऐसा किया ना तो इतिहास का सबसे बड़ा धोखा होगा कि एक भाई ने दूसरे भाई को धोखा दिया। और सीरत, मैं अंगद के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं अंगद का दिल नहीं तोड़ सकता। लेकिन मेरा दिल तोड़ सकते हो, अपने भाई को हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे हर्ट कर सकते हो। तुम ही बताओ, जिस इंसान से मैं प्यार ही नहीं करती उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे प्यार तो दूर, मैं अंगद को पसंद ही नहीं करती, मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद नहीं है। तुम अंगद को धोखा नहीं दे सकते ना, और मैं खुद को। तुम्हें नहीं लगता शादी उन दो लोगों की होनी चाहिए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं? और अंगद मेरे बारे में जो भी फील करता है, प्यार, इन्फैटुएशन, वो जो भी है, वो वन साइडेड है। मेरे मन में अंगद के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरे मन में अगर किसी के लिए फीलिंग्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। I love only you, गैरी। और आज तो तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया that you love me too। तो तुम ही बताओ, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं क्यों किसी और की खुशियां अपनी खुशियों से आगे रखूं? मैं कुछ नहीं जानती गैरी, तुम्हें कुछ भी करके ये शादी रुकवानी पड़ेगी। क्या, कैसे? आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं अंगद को सच नहीं बता सकता यार। एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरा प्यार। नहीं 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 सीरत, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता सीरत। मैं अपना दिल तोड़वा लूंगा, लेकिन मैं अंगद का दिल नहीं तोड़ सकता सीरत। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। सीरत, यही हमारी तकदीर है, प्लीज समझो और मान जाओ। तो हम अपनी तकदीर बदलेंगे ना? वो नामुमकिन है सीरत,
हम उसे मुमकिन बनाएंगे। कैसे? भाग के अपनी इस मनहूस तकदीर से दूर भाग चलते हैं गैरी, बहुत दूर, और भाग कर ब्याह कर लेते हैं। बोलिए नसीरत जी, आपका जवाब क्या है? आप मुझसे प्यार करती हैं, हाँ या ना? थैंक यू सुरज जी, मेरी उलझन सुलझाने के लिए। मैं यही सुनना चाहता था। एक और गल, मैं बहुत बेताब हूं आपको दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए, और अगर मैंने आपकी नींद खराब की ना, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। गुड नाइट। तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।